जितनी भी मैंने की मैंने ठीक की है, छोड़ी कोई बोल नहीं है, कल जितनी की ठीक की है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे का दिन और आज हमारा एक मैच है, मतलब तो कल भी एक मैच हुआ, कल का ब्लॉग मेरा क्योंकि कल थोड़ा मूड ठीक नहीं था, आज ठीक ठाक है मूड थोड़ा, तो आज इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और आज मैच है हमारी टीम और कौन सी महाजन एक टीम आने वाली है उनकी टीम के साथ मैच है। तो मैं अभी उठ के मैंने मुँह धो लिया, बस ड्रेस पहननी है, दूध पीना है और बस मैंने निकल जाना है ग्राउंड के लिए। तो चलते भी रेडी होते हैं, फिर मैं आपको सीधे ग्राउंड में जाके आपको पिच क्या है क्या नहीं है मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी बहुत ड्यू भी है, हेलो गाइस। तो मैं अभी हर की दुकान पे, जो कि आप सबको पता ही होगा कि मेरी दुकान के नीचे है, मैं तो ऊपर है सर खड़ा और एकदम दुकान मेरी नीचे दुकान है। तो अभी हम लेना है बॉल, बॉलों का डब्बा लेना है और एक बने किट थी वो लेना है। ये है ट्रॉफी की दुकान है, मान के चलिए ट्रॉफी की दुकान है सब। ये वाली भाई हम ये बॉल ले लेने हैं, हारे ले ले दोनों बॉल और ये बॉल, अगर ये बाय चांस गुम होती तो ये बॉल काम आएगी सेमी न्यू, और ये ले चलेंगे। और यहाँ सारी ट्रॉफियाँ आ रखी हैं, एकदम बड़ी बड़ी ट्रॉफीज है, कंप्यूटर का भी होता है काम यहाँ। तो हम चलते भी ग्राउंड पे, अभी मैच स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट होने वाला, फिर हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चलता है क्या नहीं चलता मैच। चलो चलते हैं ग्राउंड। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइज आज है दूसरा दिन और आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैच चल रहा था अचानक से, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया, दूसरे दिन में कैसे आ गया। तो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा साफ सफाई दुकान की कर लूँ, फिर मैं आपको सब आराम से बैठ के बताऊंगा। तो पापा आए नहीं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको थोड़ा मतलब फीवर सा आ रहा है, मतलब हर किसी को फीवर हो रहा है अभी तो। हम जब प्रैक्टिस करते हैं, रितेश को फीवर हुआ है और है दो तीन है उनको भी फीवर हुआ है, तो ऐसे फीवर वाला सीन तो चल रहा है हर किसी के साथ। तो मैं पहले हाफ स्वैक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ क्या हुआ, मैं क्यों दूसरे दिन मैं ब्लॉग स्टार्ट किया, मैंने कल की ब्लॉग नहीं बनाया, मैं आपको फिर मैं बताता हूँ तब। हाँ तो गाइज अब बोलता हूँ क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने सुबह मैंने कल सुबह आपको वीडियो तो देख ली होगी अपने अब तक, तो मैंने बताया था कि प्रैक्टिस मैच है एक हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस मैच है। तो उससे मैच से एक दिन पहले हम जब प्रैक्टिस पे गए थे, सर ने हमें बोला था मेरे को और मोनू को कि तुम कल दोनों मैच में ओपनिंग करोगे और कोई कुछ नहीं करेगा, जैसे तुम्हारा मन हो खेलना, मतलब स्टार्टिंग में रोकना, फिर जो मारने का मन करे मारना। तो ऐसा सीन हुआ, फिर हम दोनों बहुत खुश हो गए थे, मनु और मैं खुश हो गए थे कि ओपन दोनों करेंगे साथ में। हम दोनों बैटिंग कम ही किया है, उतनी ज़्यादा भी नहीं की,
क्योंकि मोनू जाता था बैटिंग करने, आउट करता था, फिर मैं जाता था, या फिर मैं पहले जाता था, मैं जब आउट होता था फिर वो बैटिंग पाता था, ऐसे चलता था। तो हमने ज़्यादा बैटिंग की नहीं है, हाथ भी की नहीं है। तो कल मौका था, अच्छा वाला मौका, कि दोनों एक दूसरे का ड्रिल भी करता है, हमें एक दूसरे की कमी जानते हैं, क्या नहीं है क्या नहीं है, ड्रिल करते ना, तो हाथ में एक अच्छा वो बनता। तो हम तो खुश थे कल। और फिर जब मैच में गए, मैच में सब थोड़ा हमने उधर विकेट वगैरह किया सेट करने के बाद, सब हमने पिच हल्की फुल्की रोल कर दी, हो गया, टीम आई, टॉस हुआ, हम टॉस जीत कर हमारी टीम ने पहले बॉलिंग ली। तो फिर हर बॉल लाना भूल गए थे, फिर मुझे और मोनू को हमने भेजा कि बॉल लेके आ जाओ, यहीं पे है दुकान। तो हम गए थे, देख लिया होगा ये तो क्लिप में कि मैं बॉल लेने आया हूँ, ये तो आपने देखा होगा क्लिप में। फिर बॉल लेके आए, हमने सोचा कि अभी तो फील्डिंग है, अभी कोई ओपन वगैरह का सीन नहीं होगा। तो गए बॉल लेके, हम जैसे राउंड में एंटर किए, हमने देखा कि हमारी टीम में तीन कीपर थे आज, मैं, मोनू और एक था बाहर से आया हुआ था, तो वो था। तो सोचा था 50 ओवर का मैच है, 25-25 हाफ कर लेंगे हम दोनों, वो तो हम सोच रहे थे हम अपना देख लेंगे। तो हम दोनों कीपर गए थे बॉल लाने, हमें भेज दिया था बॉल लाने के लिए, और फिर हमने देखा वो कर रहा है कीपिंग। और मैं मतलब थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि मुझे कीपिंग करना बहुत पसंद है, कीपिंग करना बैटिंग से भी अच्छी मेरे को कीपिंग लगती है, जो भी बोल लो। तो मैं जब भी आता था कभी भी, मतलब पहले कीपिंग की ड्रिल करता था, फिर करता था बैटिंग की। तो मैं फील्डिंग बहुत कम करता हूँ, प्रैक्टिस फील्डिंग की बहुत करता हूँ, तो इसलिए मैं फील्डिंग ठीक ठाक हो गई। दो हाई कैचेस आई मेरे पास, कैच छूट गए थे मेरे से। फिर 15 ओवर के बाद वो भाई कीपिंग से हटा, फिर मैं आ गया कीपिंग में, थोड़ा सा खुश हुआ। फिर आई मेरे पास एक हाई कैच आई, मैंने हाई कैच पकड़ ली, एक आई थी कैच स्पिनर में आई थी, वो बैट्समैन स्विंग मारने गया था, तो हल्का सा ऐसे लग के, मतलब ऐसी हाइट पे था, हाथ ऐसे करके मेरे हाथ में फैस की कैच होगी, दो कैच पकड़ ली मैंने। फिर ऐसे कर करके फिर मैं सेकंड डाउन गया, मतलब थोड़ा दुख तो था कि मतलब कीपिंग में अच्छे से नहीं मिली, ना ही मैं बैटिंग के इतना सोच गया था ओपन जाऊंगा, नई बॉल से खेलूंगा, इतना गया था, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मतलब मूड पूरा खराब था, और ऊपर से मैं सेकंड डाउन गया था, ठीक ठाक थी पेस, बॉलर रोक रहा था। और एक मेरे को फिर उसके बाद एक बॉल आई स्ट्रेट ड्राइव की, मतलब क्या हुआ मेरे को नहीं पता, मैंने से स्ट्रेट ड्राइव के लिए ठीक से पैर निकाल के ड्राइव करने का मैंने किया भी, एकदम सही मैंने किया, मेरे को इतना हैपन है भरोसा कि मैंने एकदम सही निकाला था, पैर बैट दोनों सही गया था मेरा। फिर क्या हुआ पता नहीं, बॉल थोड़ी सी नीचे जाएगी और मैं बोल्ड हो गया, ये सीन हुआ। तो 6 बॉल पे 0 थे मेरे, मूड वगैरह सब खराब था, मैंने कीपिंग भी नहीं मिली, इसलिए थोड़ा कल मूड खराब था, इसलिए मैंने व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया कल का दिन। तो आज थोड़ा ठीक ठाक हूँ, अभी आया था एक कस्टमर आया था, ये देखे गया, इसको हाफ करेंगे इसको, फिर पापा भी आएंगे, पापा के साथ कुछ मतलब माल दुकान का लेने जाना है, तो चलते हैं, ये थोड़ा करते हैं साफ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है दुकान का, और मैं भी पूरी तरह से फ्री हूँ, कोई आ रहा है का? नहीं आ रहा कोई। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब तो किया, बट किसी के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती, तो इसके लिए सब्सक्राइब करते हो तो पास में एक बेल आइकन भी आता है, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लो, तो आपको मेरी वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए और अभी तक 36 कम है 800 होने में, तो जल्दी से जल्दी 800 सब्सक्राइबर करा दो, फिर उसका 900, फिर 1000।
तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे माल लेने, और मैंने हाफ काम कर भी दिया है। मैं फिर ब्लॉग बना रहा हूँ। फिर पापा नहीं आ पाए क्योंकि पापा थोड़े ठीक लगे, पापा बैठ गए दुकान पे और मैं आ गया यहाँ माल लेने आ गया। तो अभी हाफ काम हो गया, हाफ काम पूरा करते फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस मैं आज अभी पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ से निकला था 4 बजे कुछ, मैं यहाँ से निकल गया था। और अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, मैं अभी आके बैठा हूँ घर पे। ये देखिए अभी टाइम 7 बजने को आया है। तो अभी मैं घर पे, वहाँ पे मेरे को 3 घंटा या 2 घंटा पूरा लग चुका है। और मैं घर पे कुछ खाने, दूध ब्रेड भी लाया हूँ, ये देखिए क्या बनता है। और पापा के लिए भी लेके जाना पड़ेगा, तो पहले खाते फिर पापा के लिए लेके देंगे। तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ दुकान पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ दुकान पे, और पापा गया है बाहर, और मैं पी रहा हूँ यहाँ पे चाय। इस पे पी रहा हूँ क्योंकि ग्लास की कमी पड़ चुकी है, इसलिए मैं इस पे पी रहा हूँ। तो चाय इंजॉय करते हैं। आप तब तक क्या बोलते उसको, एक मिनट, मैं भूल गया, मैं ऐसे नहीं एक्टिंग कर रहा, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, जो मतलब वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होता है, क्या बोलते उसको, भूल गया क्या, सिनेमैटिक नहीं बोलते, सिनेमैटिक तो वो होता है, क्या बोलते उसको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हो गया चाय पीते, हो गया इसको भाई यार, ये बंद करते हैं इसको, करते हैं बंद और इसको रखते हैं बैग में। अरे फोन यहाँ छोड़ के चले गए पापा, इसको रख देते हैं बैग के अंदर और इसको इसको करते हैं नीचे। अभी टाइम की बात करूँ तो 8:10 हो रहे हैं, अभी टाइम है। तो मैं जब बंद करूँगा तब ये होगा। और मैंने सुना ऐसा है कि आईपीएल का शेड्यूल आ चुका है, आईपीएल का, और मोहाली में एक केकेआर का मैच है, आरसीबी का मैच है, गुजरात का मैच है, लखनऊ का मैच है, और मुंबई इंडियंस का मैच है भाई। तो हमने पूरी एकेडमी ने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विराट कोहली के फ़ैन है, तो हम सब ने सोचा आरसीबी का मैच देखने जाएंगे। अगर उनका बहुत मज़ा आएगा, उनका मैच शायद 20 अप्रैल को चुका है, तब तक हमारे पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पर प्लस वन के हमारे पेपर हैं 3 मार्च से है, पहला पेपर फिजिकल का है, तो ठीक ठाक है, फिजिकल वगैरह सब हो जाएगा। बस मेरे को एक ही उसकी टेंशन है, वो है अकाउंट्स, उसमें मेरे को टेंशन है। तो कोई नहीं, देखते हैं, को भी ऐसे तैसे तो हो ही जाएगा, पासिंग मार्क्स उसमें ले आएंगे, कोई बात नहीं। तो अभी सभी थोड़ा बैठते हैं और ये वाले ब्लॉग को थोड़ा एडिट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था उस एडिट करते हैं, फिर मैं आपसे दुकान बंद करके टाइम ही मिलूंगा। तो गाइस अभी चलते हैं मार्केट पे, दूध सब्जी वगैरह लेना है, और यहाँ बहुत बहुत पसीना है, ये लाइट बहुत हीट आ रहा है नीचे। तो पापा ऑलरेडी पैदल मार्केट ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो मैं भी अभी करता हूँ दुकान को बंद, और मतलब क्लोज करता हूँ, क्लोज करके चलते हैं सीधा पापा के पास। पापा ले रहे होंगे सब्जी वगैरह, और मैं ले आऊँगा सीधा दूध।
तो मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। फोन गिरते गिरते बचा, अभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, अभी फोन गिरते गिरते बचा लिटरली।